नमस्ते, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। वो वीडियो याद है 2 साल पुराना आपको, जिसमें BSF के जवान तेज बहादुर यादव ने घटिया क्वालिटी का खाना दिखाया था, जली हुई रोटियां और पनीली दाल जिसमें सिर्फ हल्दी और नमक पड़ा हुआ था। ये खाना जवानों को मिलता था, खाने की क्वालिटी कितनी सुधरी वो तो पता नहीं, लेकिन तेज बहादुर को फौज से बर्खास्त कर दिया गया। उन्हीं तेज बहादुर के 20 साल के बेटे रोहित की लाश गुरुवार की रात घर में मिली। पुलिस को शक है कि रोहित ने सुसाइड किया है। पूरी कहानी उसकी ये है कि पुलिस के मुताबिक उनके पास एक फ़ोन आया, फ़ोन पर कहा गया कि रोहित ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस घर पहुंची, कमरा अंदर से बंद था, उसको तोड़ा गया दरवाज़ा और अंदर देखा तो लाश बेड पर पड़ी थी और रोहित के हाथ में बंदूक थी। पुलिस ने बंदूक कब्जे में ली और लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। तकलीफ की बात ये कि तेज बहादुर उस वक्त घर पर नहीं थे, कुंभ मेले में गए हुए थे प्रयागराज। घर पर सिर्फ उनकी पत्नी यानी रोहित की मम्मी थी। पुलिस ने उनको सूचना भिजवाई। अभी तक पुलिस को ये भी पता नहीं है कि रोहित के हाथ में जो बंदूक थी वो लाइसेंसी है या गैरकानूनी है। 2 साल हो गए जब तेज बहादुर का वीडियो आया था, जिसके बाद वो मीडिया और सोशल मीडिया पर सेंसेशन बन गए थे, एकदम सनसनी फैल गई थी। वीडियो में उन्होंने दिखाया था कि जवानों को ठीक से खाना नहीं मिल रहा है, कई बार तो लोग भूखे सो जाते हैं। उन्होंने किसी सरकार को दोष नहीं दिया, कहा कि ऊपर से तो सब आता है लेकिन यहाँ बड़े अफसर लोग जो हैं वो खा पी कर बराबर कर देते हैं, घपला कर देते हैं। वीडियो वायरल होते ही कुछ लोग तेज बहादुर के सपोर्ट में आए थे तो बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया था, गालियाँ दी थी। उन्होंने रोटी के बगल में पता नहीं कौन कौन से पौष्टिक पदार्थ देख लिए थे गालियाँ देने वालों ने। सेना से लोगों का भावनात्मक जुड़ाव किस तरह का है ये तब पता चला जब एक सैनिक को ही गालियाँ दी गई। उसके बाद तेज बहादुर ने एक और वीडियो जारी करके बताया था कि मैं अपने देश और मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपकी वजह से ज़िंदा हूँ। मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं है, मेरे खिलाफ़ तो फैसला हो गया, इसके लिए मैं कोर्ट जा रहा हूँ, मुझे डिसमिस कर दिया तो कोई बात नहीं, कम से कम इसी बहाने मेरे साथियों को तो अच्छा खाना मिलने लगा। वीडियो सरकार तक पहुंचा तो सरकार भी हरकत में आई। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पूरी रिपोर्ट मांगी। उस रिपोर्ट का क्या हुआ, अभी वो कहाँ है, कितने अधिकारी नपे, किसी को कुछ पता नहीं है। हाँ, BSF से तेज बहादुर की छुट्टी ज़रूर हो गई। तब से तेज बहादुर समय समय पर फेसबुक पर लाइव आकर वीडियो बनाकर जनता से मदद की गुहार लगाते रहते हैं और अब ये नया सदमा लगा है, 22 साल का बेटा नहीं रहा, कहा जा रहा है कि उसने खुदकुशी कर ली। खैर, असल में क्या हुआ था ये तो पुलिस की जांच होने के बाद ही सामने आएगा। ये बुरी खबर थी, ऐसी बहुत सारी बुरी खबरें और अच्छी खबरें भी आती हैं जो हम आपको बताते रहते हैं अपने वीडियोस के माध्यम से। अगर आप हमारे वीडियो देखने हैं तो मालूम है आपको कि क्या करना है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज हमारा उसको लाइक कर लीजिए और हमारा एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। थैंक यू।